नमस्कार, आप सभी आंगनबाड़ी बहनों का आज के इस नए वीडियो में स्वागत है। तो आज मैं आप सभी को राष्ट्रीय जन आंदोलन एक्टिविटीज़ जो हो रहा है आंगनबाड़ी केंद्रों पर, उसके बारे में आप सभी को जानकारी देने वाला हूँ। जैसे कि पोषण अभियान के तहत जो भी कार्यक्रम हो रहा है 1 से लेकर 30 सितंबर के बीच में, तो उसका जो गतिविधि है हमको राष्ट्रीय पोषण माह के डैशबोर्ड पर उसको अपलोड करना है। तो इस वीडियो में आप सभी को स्टेप बाय स्टेप जानकारी देने वाला हूँ कि जो भी आप लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, जैसे कि ये दूसरा सप्ताह चल रहा है, इस सप्ताह में योग अभ्यास का जो कार्यक्रम होगा आपके आंगनबाड़ी केंद्रों पर, तो उसका जो गतिविधि का फोटो है या जो भी डाटा एंट्री है उसको किस प्रकार से करना है, जैसे कि लॉगिन किस प्रकार से करेंगे, पासवर्ड किस प्रकार से आपको मिलेगा, तो इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो आप सभी लोग इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप जानकारी आप लोग समझिएगा कि किस प्रकार से जो एक्टिविटीज़ है, जो थीम है, उसको समझ के आपको यहाँ पे डाटा एंट्री करना है। तो देखिए, जो जन आंदोलन चल रहा है उसकी जो एक्टिविटीज़ है उसको अपलोड करने के लिए सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर गूगल क्रोम को ओपन किया है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लोग सिंपली लिखेंगे पोषण अभियान। पोषण अभियान जैसे ही लिखेंगे उसके बाद ये पोषण अभियान का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आ जाएगा आपके सामने। आपको इस पोषण अभियान वाले पे क्लिक कर देना है। तो क्लिक करते ही देखिए पोषण अभियान का जो डैशबोर्ड है वो ओपन होने लगेगा। जैसे कि पूरे राज्य में इस डैशबोर्ड पर काम चल रहा है तो थोड़ा सा समय लग सकता है, जिसके कारण जो सर्वर है वो थोड़ा धीमा चल रहा है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। और उसके बाद देखिए इस प्रकार से ओपन होगा। यहाँ पे जो 3 डॉट दिख रहा है, जैसे कि ये जो 3 डॉट दिख रहा है, 3 लाइन, इस पर हमको क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डाटा एंट्री का जो ऑप्शन दिखा रहा है, फिर उसके बाद यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही डाटा एंट्री पर क्लिक करेंगे हम लोग पोषण अभियान का जो लॉगिन आईडी है वहाँ पे पहुँच जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड, तो यूज़र नेम में क्या डालना है, पासवर्ड में क्या डालना है, तो जैसे कि यूज़र नेम आपको नहीं पता है कि क्या है, तो आप अपने एलएस मैम से संपर्क कर सकती हैं, वो आपको यूज़र नेम प्रोवाइड करा देंगी। तो जो यूज़र नेम होगा वही आपको यहाँ पासवर्ड में डाल देना है। तो चलिए, मैं यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे मैंने सेव करके रखा है। देखिए MOW&CD करके रहेगा, और ये जो कोड है वो ब्लॉक का कोड है, जो आपका ब्लॉक कोड है वही यहाँ पे डालना है। तो आप उसके बाद सेम टू सेम यही वाला जो यूज़र नेम है वही आपको पासवर्ड में डाल देना है, बिना स्पेस के, आपको इसमें कुछ भी स्पेस नहीं देना है। उसके बाद यहाँ पर जो दिख रहा है कैप्चा कोड, यानी कि जो कैप्चा कोड दिया गया है 2+7, इसको जोड़ के यहाँ पे लिख देना है। तो चलिए 2+7 होता है 9, तो यहाँ पे 9 लिखने के बाद हम लोग साइन इन करेंगे तो हम लोग का जो डैशबोर्ड है वो खुल जाएगा। खुलने के बाद देखिए यहाँ पे कुछ यहाँ पे पॉपअप ओपन हो जाएगा, जो कि COVID-19 का प्रोटोकॉल का ध्यान में रखते हुए आपको यहाँ पर ये सारी गतिविधि करनी है। तो सिंपली हम ओके वाले पे क्लिक कर देना है। तो उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछेगा एक्टिविटीज़, थीम, ब्लॉक, तो सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे एक्टिविटीज़ खुल के आ जाएंगे कि कौन कौन सी एक्टिविटी आप लोग कर रहे हैं। तो आप लोग जिस दिन जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उस एक्टिविटीज़ को सेलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पर पहला एक्टिविटी दिया गया है 5 मिनट योगा प्रोटोकॉल सेशन, तो योगा का जो प्रोटोकॉल है जो 5 मिनट उसका योग कराना है उसके लिए। फिर आयुष फॉर एनीमिया इन प्रेगनेंसी, तो एनीमिया के जो बारे में गर्भवती महिलाओं को आयुष के तहत जो भी जानकारी देना है उसके लिए यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, पोषण रैली, होम विजिट, तो जो आप लोग कर रही हैं उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं 5 मिनट्स योगा प्रोटोकॉल सेशन को सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो थीम है वो थीम ऑटोमेटिक यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे योगा फॉर हेल्थ वो थीम सेलेक्ट हो चुका है। तो उसके बाद देखिए
यहाँ पे लेबल दिया गया है कि किस लेबल से ये जो गतिविधि हो रहा है वो किस लेवल से हो रहा है, तो ब्लॉक लेवल से हो रहा है या आंगनवाड़ी केंद्र के लेवल से। तो इस पर सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे अगर सेविका ये कार्य कर रही हैं तो आंगनवाड़ी केंद्र को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे ऑर्गेनाइज़र पूछ रहा है कि किनके द्वारा ये कार्य ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर योग दिवस मनाया जा रहा है तो यहाँ पर आयुष और आंगनवाड़ी वर्कर के द्वारा यहाँ पर ये एक्टिविटीज़ की जा रही है। तो जैसे कि अगर आपके साथ में आशा भी मौजूद हैं, ANM भी मौजूद हैं, तो आपको इन पे सेलेक्ट करना है। और अगर ये सब नहीं मौजूद हैं तो आप लोग सिर्फ आंगनवाड़ी वर्कर और आयुष को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे ग्रुप दिखा रहा है तो ग्रुप में पोषण माह ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेगा। देखिए यहाँ पर डेट दिखा रहा है तो जिस डेट को आप लोग ये गतिविधि कर रही हैं उस डेट को यहाँ से सेलेक्ट रहने दीजिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग बैक डेट में किसी भी गतिविधि को नहीं इस पोषण डैशबोर्ड पर अपलोड किए हैं तो आप लोग यहां पे बैक डेट वाले में भी जाके इसको अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम आज का जो एक्टिविटीज़ किया गया है उसको सिलेक्ट रहने देते हैं। दूसरा डेट दिखा रहा है टू डेट, तो इसको भी वैसे ही छोड़ देना है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर पूछ रहा है टोटल पार्टिसिपेंट, तो यहाँ पे टोटल कितने लोग मौजूद थे उस समय एक्टिविटीज़ के दौरान, तो उसका यहाँ पे संख्या डालना है। जैसे कि यहाँ पे मैं 10 बच्चों का यहाँ पे डाल दे रहा हूँ कि 10 बच्चों को हमने योगा का अभ्यास कराया है। तो उसके लिए और जो भी आप लोग एक्टिविटीज़ कर रही हैं उसमें आप लोगों को देख लेना है कि कितने लोग मौजूद हैं, उसके हिसाब से आप लोग यहाँ पर डाल सकते हैं। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि जो आपने 10 पार्टिसिपेंट किया है उसमें मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, यानी कि एडल्ट के लिए है, और चाइल्ड में कितने बच्चे मौजूद हैं उसको यहाँ पे डाल देना है। तो देखिए हमने यहाँ पे 6 बच्चे हैं जो कि मेल हैं और 4 बच्चे हैं जो कि फीमेल हैं। तो इस प्रकार से मिला के हमने यहाँ पे 10 पूरा कर लिया है। जैसे कि यहाँ पर जितने पार्टिसिपेंट रहेगा उस प्रकार से आपको यहाँ पे कर लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे अपलोड ए पिक्चर, तो यहाँ से हमको पिक्चर सेलेक्ट कर लेना है। जो तो यहाँ पे जो पिक्चर है वो आप लोग अपने गैलरी से सेलेक्ट करके यहाँ पे रख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में अगर आप कुछ लिखना चाहें तो इस योग अभ्यास के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं। अदरवाइज आप लोग नहीं लिखना चाहते हैं तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। फिर लास्ट में हमको ऑप्शन मिलता है यहाँ पे सबमिट करने का, तो यहाँ पे हम लोग सिंपली इस डाटा एंट्री को सबमिट कर देंगे। तो देखिए सबमिट करते हैं, यहाँ पे सबमिशन सक्सेसफुल लिख रहा है, एड ऑन अदर एक्टिविटीज़ दिखा रहा है। तो अगर फिर से आप कोई अदर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पे एड ऑन अदर एक्टिविटीज़ पर क्लिक कीजिएगा। तो फिर से आप जो भी आज के डेट में जो भी एक्टिविटीज़ की हैं तो दूसरा एक्टिविटीज़ भी यहाँ से आप लोग डाल सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कुछ नहीं करना है तो यहाँ से लॉग आउट हो सकते हैं या इसको सिंपली यहाँ से कट करके आप लोग बाहर जा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो भी डिटेल्स भरना है भर के आप लोग यहाँ से अपलोड कर दीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।